नमस्कार, मैं ओपी शर्मा, आप देख रहे हैं नेक्स्ट न्यूज स्टेशन। अब बात करते हैं ओपी राजभर की। तो देखिए, लगातार यहाँ पे जो अखिलेश यादव और ओपी राजभर के बीच में जो तनातनी थी वो तलाक के बाद खत्म हो गई, लेकिन उसके बाद ओपी राजभर दोबारा से अखिलेश यादव के ऊपर हमलावर हो गए, लेकिन फिर उसके बाद अखिलेश यादव भी उन पर हमलावर हो गए। लगातार देखिए, तलाक के बाद भी एक दूसरे के जो दामन था उन्होंने नहीं थामा है। जी हाँ, यहाँ पे दामन किस वजह से थामा, जो जुबानी जंग का जो दामन है वो नहीं थामा। जी हाँ, उन्होंने वैसे तो तलाक दे दिया एक दूसरे को, लेकिन जुबानी जंग जो है वो और तेज हुई है। इस बीच आप देखिए, ओपी राजभर के भाई कहे जाने वाले शशि प्रताप सिंह, यानी कि सुभाषपा के जो पूर्व देखिए डिप्टी अध्यक्ष रह चुके हैं, जो ओपी राजभर को भाई मानते थे, तो वो अब देखिए कि अखिलेश यादव के साथ गठबंधन कर चुके हैं। जी हाँ, यहाँ पे उन्होंने अपनी नई पार्टी बनाई। नई पार्टी के देखिए कि आज यहाँ पे अखिलेश यादव के साथ उन्होंने मीटिंग की थी, उसमें ये साफ साफ बोला कि हम अखिलेश यादव के साथ 2024 में जो लोकसभा इलेक्शन होंगे उसमें लड़ेंगे। यहाँ पे साफ साफ देखिए कि ओपी राजभर के भाई ने उन्हें धोखा दे दिया है, जिनको वो भाई कहते थे। और यहाँ पे उन्होंने साफ साफ जब ओपी राजभर का साथ छोड़ रहे थे, उन्होंने ओपी राजभर पर परिवारवाद का देखिए इल्जाम लगाए थे। ये बोल दिया था कि ओपी राजभर परिवारवाद को बढ़ावा देते हैं। और साफ साफ देखिए कि यहाँ पे जो अखिलेश यादव है वो भी अब यहाँ पे ओपी राजभर को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। ओपी राजभर की जो तकलीफें हैं वो ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि उन्हीं की पार्टी में से निकल कर गए थे शशि प्रताप सिंह, अब अखिलेश यादव का दामन थाम चुके हैं। अब ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे जो ओपी राजभर है उनके 2-4 नेता और, जितने 6 उनके पास विधायक है, 5 रह गए हैं, तो 5 में से 3 नेता और यहाँ पे ओपी राजभर के साथ छोड़ सकते हैं और शशि प्रताप सिंह के साथ यहाँ पे गठबंधन कर सकते हैं, उनकी पार्टी में शामिल हो सकते हैं और ओपी राजभर को दोबारा तगड़ा झगड़ा लग सकता है। यहाँ पे देखने वाली बात ये होगी कि कब ये सब होता है। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या ये सब असलियत में है जो ओपी राजभर के साथ हो रहा है, क्या शिवपाल और अखिलेश की साजिश है ओपी राजभर को गिराने की, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए। तब तक आप देखते रहिए नेक्स्ट न्यूज स्टेशन।